रवीना टंडन 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रही हैं। मोहरा, दिलवाले, अंदाज अपना अपना, पत्थर के फूल और दमन समेत कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है। मोहरा फिल्म में रवीना को बेहद पसंद किया गया था और फैंस ने उन्हें मस्त मस्त गर्ल कहना शुरू कर दिया था। 26 अक्टूबर 1974 को उनका जन्म मुंबई में हुआ। उनके पिता रवि टंडन मशहूर फिल्म निर्माता रहे हैं। रवीना ने पहले मॉडलिंग की और फिर फिल्मों में आई। सलमान खान के अपोजिट फिल्म पत्थर के फूल से वो लॉन्च हुई। फिल्म एवरेज हिट रही, लेकिन रवीना को पहली ही फिल्म से स्टारडम मिल गया। रवीना टंडन ने 22 जनवरी 2004 को फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी से शादी की। वो अब दो बच्चों की माँ हैं। रवीना ने दो बेटियों को गोद भी ले रखा है, जिनका नाम छाया और पूजा है। रवीना अपने पति और दो बच्चों के साथ मुंबई के बांद्रा में रहती हैं। एक आलीशान 3 मंजिला बिल्डिंग में वो रहती हैं। इस बंगले का नाम नीलिया है। समुंदर के किनारे ही उनका ये खूबसूरत घर है। घर के एक एक कोने को बेहद सोच विचार के बाद उन्होंने सजाया। काले पत्थर और पेड़ पौधे उनके घर को एक अलग लुक देते हैं। रवीना का घर बहुत खुला और खूबसूरत है। उनके लिविंग रूम में नेचुरल रोशनी आती है। लिविंग रूम बहुत हवादार और खुला है। सपनों के इस घर को सजाने के लिए ज्यादातर चीजें रवीना ने खुद चुनी है। घर के अंदर वुड फ्लोरिंग है। रवीना ने अपने घर में लाइट्स और दीवारों की साज सज्जा का खास ख्याल रखा है। घर की सजावट की ज्यादातर चीजें रवीना ने खुद खरीदी हैं। जब भी वो विदेश जाती हैं, अपने घर की सजावट की चीजें जरूर लेकर आती हैं। रवीना ने अपने घर के फर्नीचर और पर्दों के रंग का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरती से चुना है। रवीना और अनिल ने अपने आशियाने को नेचर के करीब जाते हुए उसी अंदाज में डिजाइन करवाया है। यहाँ रवीना की आर्टिस्टिक सोच की झलक देखने को मिलती है, तो उनका प्रकृति प्रेम भी। रवीना का बंगला बहुत भव्य है। बंगले को देखकर साफ लगता है कि उनकी पसंद बेहद क्लासिकल है। अपने घर के बारे में रवीना बताती हैं कि मैं अपने बंगले में फ्यूजन चाहती थी। मुझे केरल में बने घर बेहद पसंद है और वहीं से प्रेरणा लेते हुए मेरा ये घर डिजाइन हुआ है। रवीना ने अपने बंगले को काले, लाल और ग्रे पत्थरों से सजाया है। बंगले में एक मंदिर भी है, जिसमें बैठकर परिवार के लोग पूजा अर्चना करते हैं। यह रवीना की फेवरेट जगह भी है। इसे बनवाते वक्त वास्तु का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मंदिर को इस तरह बनवाया गया है कि सूरज की पूरी रोशनी वहां पूरे समय आती रहती है। रवीना के घर का एंट्रेंस बहुत सुंदर है। घर के दरवाजे के पास ही गणेश जी की खूबसूरत मूर्ति सभी का ध्यान खींच लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।